बोलो ना, जोर से बोलो ताकि दायरे को सुनाई पड़े। दो मिली वस्तुओं में पृथक पृथक विवेक, कौन जड़ है कौन चेतन है, कौन दृश्य है कौन दृष्टा है, कौन शव है कौन शिव है, कौन सत है कौन असत है। वैराग्य किसे कहते हैं? कोई विद्यार्थी नया नहीं इसके लिए। इस लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के सुख की इच्छा का मन से त्याग हो जाना ही वैराग्य कहलाता है। इस लोक से संसार के पदार्थों से ब्रह्म लोक तक के सुख की इच्छा न करना, क्योंकि ये सब अनित्य है। ब्रह्म लोक तक का सुख अनित्य है, वहां की इच्छा न करने को वैराग्य कहते हैं। तितिक्षा किसे कहते हैं? सहन करने की शक्ति को। सहन करने की शक्ति को। जोर से। सहने को शक्ति। सहन करने की शक्ति को। मोक्षता किसे कहते हैं? मुमुक्षुता। शब्द में ही यार स्पष्ट है, मुक्ति का इच्छा, मोक्ष की इच्छा, वो मुमुक्षुता। उपरांता, भोगों में ग्लानि। उपरांता मन मेरा उससे उपरांत हो गया और उसके तरफ देखने को या खाने को सुनने को इच्छा। उपरांत समाधान था, मन में समान कोई हलचल नहीं, शांत हो गया मन, समाधान था, प्रसन्न मुद्रा में शांत होकर जो सुनता है समाधान। तो श्रवण किसे कहते हैं? सुनने के वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य से निश्चय करने का नाम श्रवण है। हर एक को सुनने को श्रवण नहीं कहते हैं, तो संसार की बातें हैं, बहुत सी आत्मचिंतन है वो नहीं। वेदों के महावाक्यों का तात्पर्य जो है उससे निश्चय करने का नाम है श्रवण। मनन किसे कहते हैं? जीव ब्रह्म के अभेद की साधक। लिखो, नहीं लिखा है। जीव ब्रह्म के अभेद की साधक। और भेद की बाधक, जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक, युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के, युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। श्रवण प्रसिद्धि मनन। क्या हुआ? अभेद की साधक और भेद की बाधक, युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को मनन कहते हैं। अब देखो निधिध्यासन, इसकी परिभाषा निधिध्यासन। निधिध्यासन अभेद की साधक और भेद की बाधक, अभेद की साधक और भेद की बाधक, युक्तियों के द्वारा
भेद की साधक भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म के चिंतन करने को निदिध्यासन कहते हैं। महावाक्य किसे कहते हैं? वेदों के सार जिस वाक्य के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का प्रमाण मिलता है उसे महावाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। तो अब इससे उल्टा अवान्तर वाक्य क्या है? या तो जीव की या केवल ईश्वर की, दोनों की अलग अलग महिमा हो, ऐसे वाक्यों को अवान्तर वाक्य कहते हैं। जीव ब्रह्म के पृथक पृथक बोध को अवान्तर वाक्य कहते हैं। और जीव और ब्रह्म के एकत्व निश्चय कराने वाले वाक्यों को महावाक्य करते हैं। रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, मंद अंधकार में रस्सी में सर्प का भ्रम हो गया, कौन अधिष्ठान है कौन अध्यस्त है? किसको अधिष्ठान कहोगे किसे अध्यस्त कहोगे? अधिष्ठान नहीं कहला सकता, सर्प तो भ्रम है, अधिष्ठान सत्य वस्तु होती है। तो जिसके सारे भ्रांति की प्रतीति होती है वो अधिष्ठान है और भ्रांति को अध्यस्त कहते। नोट करो, जिसके सारे भ्रांति की प्रतीति होती है उस मूल वस्तु को अधिष्ठान कहते हैं। ये जगत अध्यस्त है, परमात्मा अधिष्ठान है। जिस मूल वस्तु के द्वारा भ्रांति की प्रतीति होती है, देखा, जिस वस्तु के द्वारा भ्रांति की प्रतीति होती है उसे अधिष्ठान कहते हैं। जैसे रस्सी में सर्प की प्रतीति भ्रांति, तो सर्प हो गया अध्यस्त और रस्सी हो गई अधिष्ठान। रस्सी को क्या कहेंगे? अधिष्ठान। उसके सहारे भ्रम की प्रतीति हो गई सर्प की, कारण कार्य में कितनी दूरी होती है बोलो ना? कारण कार्य में कितनी दूरी होती है? 1 फीट 2 फीट 6 इंच कारण कार्य अभिन्न है, कोई दूरी नहीं है। चावल कारण है, विधान कारण है, और चावल कार्य है। तो चावल और धान में दूरी नहीं है। धान से चावल कितनी दूर है? दूर नहीं है। गेहूं से आटा कारण कार्य, गेहूं में कारण आटा है। चना बेसन, चना है कारण और बेसन है कार्य। तो परमात्मा है कारण और जगत है कार्य। तो कारण कार्य कभी अलग, जीव ब्रह्म ही है। संसार सियाराममय है, सियाराममय सब जग जानी, ऐसा शास्त्र सर्वम खलविदम ब्रह्म। यहाँ ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा तो कारण कार्य में कभी दूरी।
महावाक्य बतलाओ, महावाक्य बतलाओ, आवाज दो, जोर से, एक दूसरे महावाक्य, परमात्मा ब्रह्म, तीसरा प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा तत्त्वमसि, और पांचवा सोहम, छठा शिवोहम, सातवा आत्मा सो। ये भी महावाक्य संस्कृत में हो कोई जरूरी नहीं है, दोनों का अर्थ एक हो तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा ब्रह्म। ये कहाँ मिलेंगे आपको? आप कब इसको ढूंढोगे? नोट करो, अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद, नोट करो, यजुर्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद, कागज बदलो और आगे लिखो, कंजूसी मत करो, यजुर्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण और दसवां मंत्र, इतना खोज करोगे तो ये ढूंढने से मिलेगा। यजुर्वेद, बृहदारण्यकोपनिषद प्रथम अध्याय, चतुर्थ ब्राह्मण, दसवां मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा लिखो, अयम आत्मा ब्रह्म, अथर्ववेद, मांडुकोपनिषद, अथर्ववेद के मांडुकोपनिषद के द्वितीय मंत्र में ये मिलेगा, अथर्ववेद मांडुकोपनिषद दूसरा मंत्र, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म लिखो, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऐत्रेय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद तृतीय अध्याय, तृतीय मंत्र, तृतीय अध्याय, तृतीय मंत्र, तीन तीन। अब लिखो तत्त्वमसि, सामवेद, अष्टम प्रकाशक, सप्तम मंत्र, उपनिषद, सामवेद, जीव प्रतिदिन कितनी अवस्थाओं से गुजरता है? मैंने ऐसे ही बता दिया, कौन कौन से? जागृत, हर जीव को भोगना पड़ता है।
ये जो तत्वमसी का महावाक्य ये कौन से उपनिषद में बताया है? छांदोग्य उपनिषद। बीच में भूल गया था बोलना, छांदोग्य उपनिषद। पंच ज्ञानेंद्रियों के नाम बोलो जल्दी से। तुम्हारे शरीर में पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रिय को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। कौन इंद्रिय क्या काम करती है? श्रोत्र सुनता है शब्द को, त्वचा पकड़ने को, चक्षु रूप देखने को, जिह्वा रस चखने को, और घ्राण। कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हैं तुम्हारे शरीर में? वाक, पाणी, पाद, लिंग। कौन इंद्रिय क्या काम करती है? वाक पानी पकड़ना, पाद चलना, मूत्र इंद्रिय लिंग मूत्र इंद्रिय, और गुदा मलत्याग। तुम्हारा इनका क्या संबंध है? वो दृश्य है, हम उसके दृश्य हैं। हमेशा याद रखना, संबंध की जब आए जो भी हो वो दृश्य होगा और हम उसके, चाहे वो राजा हो तो भी दृश्य है, फकीर है तो भी, संत है तो भी, भगवान है तो भी, वो दृश्य और हम क्या बनेंगे? जो दृष्टा होता है वो कभी दृश्य नहीं होता। तो दृष्टा हम हैं और ये शरीर क्या है? बोलो। तो दृश्य हम कभी हो सकते हैं? नहीं। हम शरीर हो सकते हैं? नहीं। सब चमार बने बैठे, सब चमार बने बैठे हैं। चमार का मतलब चमड़े का अहंकार करके शरीर का, मैं स्त्री, मैं पुरुष, उड़िया, बंगाली, मारवाड़ी, गुजराती, ये सब। चमार बना छोड़ो, भंगी बना छोड़ो, ये शरीर भंगी है क्योंकि चट्टी का डब्बा साथ रखता है 24 घंटे 12 महीने। भंगी को उड़िया में क्या बोलते हैं? मेहतर। ठीक बात, मेहतर है पक्का। वो कच्चे है, वो तो 4 घंटे काम करते, गांव का मल उठा के फेंक देते हैं, नहा धोके संसार में अपना लेना देना खाना पीना ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये तो 24 घंटे अंदर ही रखता है, उसको निकाल के कभी धोता साफ करता कभी कभी धोता है वेद के कहने से, एनीमा पाठ के द्वारा पाइप मल द्वार में पहुंचाता है, उसमें थोड़ा नींबू नमक डाल के और उसमें से सब वो कीचड़ जो है, रबड़ी, हलवा, वो सब बाहर आके तब थोड़ी सफाई होती है, नहीं तो कभी सफाई की बात ही नहीं आती। अंतःकरण किसे कहते हैं? अंदर ही जानता है, बाहर वह इंद्रिय जो अंदर ही रहकर जानती है सब। अंतःकरण, करण कहते हैं इंद्रिय को, अंत कहते हैं अंदर को। उसके 4 वृत्तियां क्या क्या हैं? मन, बुद्धि, चित्त, पंच कोशों के तो नाम बताओ। 5 कोष कौन कौन से हैं जिसके बाहर जीव है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय।
कोशों में आत्मा है कि पंच कोशों से असंग है आत्मा? असंग है। इसका दृष्टांत कौन है? नारियल का गच्छ। नारियल के गच्छ में पांच कोश कौन कौन से? एक गच्छ पे लटका हुआ है, दूसरा तोड़कर उतर ले लिया है, फिर उसको फटा दिया है, फिर उसको बेच दिया है, फिर उसको उबाल दिया, तब तेल निकलता है। पंच कोशातीत आत्मा कैसा है? जैसे नारियल का तेल। नारियल का तेल पांच कोशों से अतीत है, ऐसे हमारा आत्मा स्वरूप भी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पांचों कोशों से अलग साक्षी मात्र। अब दिखाया ना एक में से एक प्राणमय मनोमय मूर्तियां। भ्रांतियां कितने प्रकार की हैं? पांच। कौन कौन सी? भेद भ्रांति, भेद भ्रांति, दूसरा कर्ता भोक्ता भ्रांति, संघ भ्रांति, तीसरी संघ भ्रांति, चौथा विकार भ्रांति और पांचवा ब्रह्म से पृथक जगत सत्य। जगत सत्य। तो ये भ्रांतियां सत्य है कि भ्रांतियां मिथ्या है? मिथ्या है। भ्रांति जो भी है मिथ्या होती है, भ्रांति कभी सत्य नहीं। मंद अंधकार में रस्सी में सांप, ये कौन सी भ्रांति है? संघ भ्रांति, विकार भ्रांति। देह के साथ अपने को मानना, देह को मैं करके मैं देह हूँ ये मानना है संघ भ्रांति। आप कब सोते हैं? कब सोते हैं? जब अपने को देह मानते हैं। ये सोते हैं। कब आपकी नींद टूटती है? जब हम अपने को देह से अलग जानते हैं। साक्षी जानते। तो आप कब से सोते चले आ रहे हैं? अनादि काल से। अनादि काल में कितने युग, कितने अवतार, कितने शरीर हुए? अनंत अवतार, अनंत शरीर और अनंत युग हुए। कब से हम सोते ही आ रहे हैं, कभी नींद टूटने का अवसर नहीं आया। राम भी आए भगवान अवतार लेकर, तुम्हें कुछ असर हुआ? नहीं। कृष्ण भी आए भगवान अवतार लेकर, उनकी बात का कुछ असर हुआ? नहीं। अपने को देह और कर्ता भोक्ता जन्म होने वाला मानते, अनंत अनंत जन्मों और अवतार के बाद ये अवसर आया कि अब हम अपने को देह से पृथक क्या मानने लगे? दृष्टा साक्षी आत्मा। तो अब आप जागे रहेंगे कि सोए रहेंगे? जागे रहेंगे। फिर कौन सोएगा? बोलो। देह सोएगा, वो तो सोएगा, उसका तो धर्म है। और पर धर्म को तुमने अपना धर्म मान लिया, इसीलिए का पर धर्म भयावह, यही जन्म मरण का
कारण है। दृष्टा को आज और अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। हम सभी लोग सिनेमा हॉल में पहुंच जाएं, कल्पना से पहुंच गए, बोलो हाँ, पिक्चर देखो सामने, रामायण आप थर्ड क्लास में बैठ गए, आप में और पिक्चर में कौन दृष्टा और कौन दृश्य है? पिक्चर दृश्य है और तुम दृष्टा। अब तुम्हारे पीछे सेकंड क्लास है, तुम थर्ड क्लास में हो, पिक्चर के पास में, पर्दे के पास में जो बैठने की जगह है उसको थर्ड क्लास कहते हैं, ऐसे ही है ना? मुझे पता नहीं सिनेमा का हाल, थर्ड क्लास, उसके पीछे जो है उसे सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास का दर्शक अब देख रहा है पिक्चर को, तो उसके सामने दो आ गए, एक तो पिक्चर भी आया और थर्ड क्लास भी आ गई, तो वो कितने का दृष्टा बन गया? कौन कौन? दो, पिक्चर और ये सेकंड क्लास का व्यक्ति अपने को क्या मानता है? दृष्टा। पहले थर्ड क्लास का व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता था, पर वो अब दृश्य बन गया है, क्योंकि उसको देखने वाला। अब इसके पीछे चलो फर्स्ट क्लास में, और फर्स्ट क्लास से अब फिर सामने दृष्टि डालो, तो कितने दृश्य बन गए? पिक्चर, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, तीन दृश्य बन गए। और ये फर्स्ट क्लास वाला व्यक्ति अपने को क्या मानता है? दृष्टा। पहले सेकंड क्लास वाला मानता था, पर अब इसके पीछे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास का व्यक्ति दृष्टा मानता है। उसके पीछे फिर बेलकुनी है, बैठने की एक व्यवस्था, वहां आ गए तो वहां से क्या बन गया दृश्य? बोलो, पिक्चर, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, चारों दृश्य बन गए। और ये बेलकुनी वाला व्यक्ति अपने को दृष्टा मानता है, दृष्टा मानता है। अब ऊपर आ जाओ सीढ़ियों से चढ़ के, ऑपरेटिव रूम में जहां से फिल्म प्रोजेक्टर के द्वारा दिखाई जा रही है, तो वहां तुम पहुंच गए प्रोजेक्टर के रूम में, तो कितने दृश्य बन गए? बेलकुनी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और पिक्चर। और ऑपरेटर क्या बन गया? दृष्टा। ऑपरेटर क्या बन गया? बोलो, दृष्टा, वो है दृष्टा। और पीछे चलो तो और कोई रास्ता पीछे जाने का? सिनेमा हॉल में वो अंतिम स्थल है प्रोजेक्टर, जहाँ से सब दिखाया जाता है, पर वो किसी को दिखाई, तो आत्मा स्वयं तुम्हारा अंतिम दृष्टा है, वो सबको दिखाता है, तुम्हारे बुद्धि को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे
कर्मेंद्रिय को ज्ञानेन्द्रिय को सब जगत को सब दृश्य और तुम क्या हो एकमात्र तुम्हें कोई देख नहीं सकता तुम सबको देख सकते हो। आज का विषय होगा महावाक्य शोधन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है महावाक्य शोधन। तो महावाक्य किसे कहते हैं ये परिभाषा लिखा चुका हूँ दो दिन से पूछ भी रहा हूँ कि जिन वाक्यों के द्वारा जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। तो कौन कौन से महावाक्य ये भी लिखा गया है यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि तो अथर्ववेद में अहम आत्मा ब्रह्म महावाक्य ऐसे ही ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म और सामवेद में तत्त्वमसि ये चार महावाक्य इन चारों का अर्थ भी मालूम हो गया अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ अयम आत्मा ब्रह्म यानी ये आत्मा ब्रह्म है और प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब ये ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है ये क्यों नहीं मालूम हो तो ये ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है यह ज्ञान स्वरूप साक्षी आत्मा ब्रह्म है और तत्त्वमसि तत्त्वमसि का मतलब वह तू है। ये दोनों हटा दो तो लड़की के सामने हमेशा आते हैं ये दोनों प्रकार हटा दो ये हटा के रखने ना ये दो हाल में बैठती हूँ निकाल दो तुम उद्दालक ऋषि का पुत्र है श्वेत केतु सात वर्ष का है घर से अपना बस्ता लेकर ठीक स्कूल के टाइम पर पहुंचता है और घर पर छुट्टी होने पर ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। तो ध्यान से सुनना उसका पिता उद्दालक ऋषि अपने घर से बगीचे की तरफ जा रहा है संध्या का समय घूमने के लिए स्कूल के रास्ते से उसका बगीचे का रास्ता है 5 बज गए छुट्टी की घंटी हो गई विद्यार्थी बाहर निकलकर अपने अपने घर की ओर बस्ता लिए जा रहे हैं। उद्दालक ऋषि स्कूल के सामने से जब निकलता है बगीचे के लिए तो मास्टर लोग उसको सब प्रणाम करते हैं गुरुदेव 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 तो कहता मंगलम भवतु तुम्हारा सबका कल्याण हो। उसमें से श्वेत केतु का क्लास टीचर ने पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया है। उद्दालक ऋषि को मन में थोड़ा दुख हुआ ये कैसा क्लास टीचर है श्वेत केतु अभी घर से घर की तरफ जा रहा है पुस्तक हाथ में लिए और ये पूछता है तुम्हारा श्वेत केतु कहाँ गया। तुम्हें कहाँ गया अरे वो स्कूल से घर की ओर जा रहा है और कहाँ गया। बोले वो 4 महीने से क्लास में नहीं आया नाम कट गया है। उद्दालक ऋषि को और क्रोध आया क्या मेरे लड़के से दुश्मनी है तुमने मेरे बच्चे का नाम कैसे काटा। रोज घर से निकलता है टाइम पे पहुंचता है बोले उन बच्चों से पूछो क्यों श्वेतकेतु ना क्यों श्वेतकेतु सबने नाना कर दिया कोई वो आता ही नहीं। आश्चर्य हो गया ये बगीचा तो जाना भूल गया घर लोग का और घर जाके वो लड़का अंदर घर में बैठा था जाते से कहा तुमने हमारे कंकुल में कलंक लगा दिया। लड़के ने कहा क्या कहा
मैंने कभी किसी को कोई वस्तु चुराई नहीं, किसी के संग में मारपीट नहीं की। कैसे कहा? कदम लगा दिया। तुम स्कूल नहीं जाते हो पाठशाला में, नाम तुम्हारा कट गया है। पर तुम इस घर में रहने के अधिकारी नहीं हो, निकलो यहां से। और गुरुकुल में से भर्ती कर दिया, वहीं रहोगे, वहीं खाओ पियोगे गुरुकुल में। 12 वर्ष की विद्या कोर्स था, पूरा किया, लौट रहा है। लंबा रास्ता था गुरुकुल का, जैसे यहाँ है और ऋषिकेश जाना है, हिमालय में जाना है, ऐसे लौट के घर की ओर आ रहा है। लंबा रास्ता, ना ट्रेन है ना बस है। तो संध्या जहाँ होती थी वहाँ गांव में रुक जाता था। हर गांव में प्रायः एक मंदिर होता है और वो खुला होता है, कोई भी बाहर से यात्री आकर वहाँ रह जा सकता। तो ये रात को मंदिर में रह जाता, गांव वाले उसे गुरुकुल से आया देखकर उसे कुछ सुनने के लिए डर जाते थे। कथाएं सुनाता था और अगले दिन दूसरे गांव चला जाता था। ऐसे यात्रा करते करते गांव वालों को कहानियां वेद उपनिषद के सुनाते सुनाते अपनी पंडिताई को लेकर ग्रंथों का, वेद उपनिषदों का बोझा सर पर कंधे पे रख के गांव की तरफ जा रहा पंडित बन गया है। उसका बाप उद्यालक अपने घर के आगे पौधे लगा रहा था। ये घर की तरफ जा रहा है, घर दूर है, देख रहा है कि पिता कीचड़ में कालों में काम कर रहा है और अपने को क्या देख रहा, मैं पंडित हूँ, मेरे को लोग सब प्रणाम करते हैं, अब मैं इसको क्या प्रणाम करूं, बाप को कादो कीचड़ में काम करता, ये दूर से सोच रहा है। और पिता ने भी देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, दूर से देखा, पर हृदय में तैयार नहीं आया कि जाकर वैसे लगा लू 12 वर्ष के बाद आ रहा। और वो बिना प्रणाम किए घर में जाकर बैठ गया। बाप ने अपने हाथ धोए और अंदर गया और कहा, कहां से आ रहे हो? मैं गुरुकुल से आ रहा हूं। आपने मुझे घास काटने भेजा था? वैसा बाप को मैं पढ़ने को भेजा था, मैं आया हूं। तो बाप ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? पूरा भी कह नहीं पाया। और वो लड़का, तुम्हें किससे बात कर रहे हो? क्योंकि मैं इतना विद्वान और मुझसे पूछ तो क्या तू उसे जानता है? कौन सा विज्ञान जिसने एक के जानने से सब अनजाना जाना हो जाता है? और ये मूर्खता की बात मुझसे मत करो, मूर्खता की बात मुझसे मत करो। एक के जाने से और बाकी न जाना हुआ जाना कैसे हो जाएगा? हो जाता है, ऐसी कोई विद्या नहीं है। लड़का कहता है, बाप कहता है, ऐसी विद्या है।
लड़का कहता है अगर ऐसी विद्या होती तो मेरा टीचर मेरा आचार्य मेरे को बताता। कोई विद्या तो है पर टीचर ने आचार्य ने तेरे को अधिकारी नहीं समझा इसलिए उसने नहीं बताया। क्योंकि आप जानते हो हाँ मैं जानता हूँ तो मुझे बताओ वो कैसा कि एक के जानने से अनजाना भी जाना हो जाता है। चलो यहाँ से और कुमार के घर ले गया और कुमार के यहाँ देखा कि उसने मिट्टी का एक पिंड बनाया है और चाक पे रख दिया है और चाक को डंडे से घुमा दिया और अपने हाथों की कला से एक एक छोटा बड़ा बड़ा दीपक है या छोटा माठिया ऐसा बनाता बनाता रखा और कई आकार दिखाए। देखे ये सब क्या है? वे मिट्टी के बर्तन हैं। ये तूने देखा ये क्या है? पिंड मिट्टी का। तो जिसने मिट्टी का पिंड जान लिया उससे जो भी बनेंगे वो मिट्टी से अलग नहीं होते। कौन मानता है कि नहीं? ये लकड़ी का बहुत लंबा पिंड है। सुतार से जो भी बनाएगा वो लकड़ी से भिन्न। ये लोहार को देख इससे जो ये बनाएगा लोहा को पीट पीट के जो जो आकार दे रहा है क्या भिन्न हो गए? ये स्वर्ण का पिंड देख इससे चूड़ी चेन अंगूठी जो भी बनेगी वो क्या सोने से अलग है? बोले पिताजी ये तो मैं नहीं जानता हूँ ये तो बड़ा भूल गया मैं। व्यक्ति ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। नाम अलग अलग हैं लेकिन वस्तु तो एक माटी का पिंड है। ऐसे ही अलंकार भिन्न भिन्न हैं लेकिन सोने का पिंड है चांदी का पिंड है। ये चांदी के पिंड से ये तमाम बर्तन का अलंकार बने हुए हैं। ये चांदी से भिन्न नहीं ये सोने का पिंड है इससे ये अलंकार बने हैं ये सोने से भिन्न नहीं है। इसी तरह एक परमात्मा है और परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ नहीं। एक ही जिसे प्लेट बताया है लेकिन ये नाम अलग अलग है। एक एक दिखा दो और दिखा दो और ये नाम अलग अलग है ये बर्तन के लेकिन एक यह एल्युमिनियम प्लेट से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये संसार में एक ब्रह्म मूल है उसको जान लिया तो फिर कुछ और बाकी जानने को नहीं रहता है। और पिताजी मुझे समझाओ देख एक पानी के ग्लास में
दादा जा रहा है लूणा, अब इस लून को निकाल कर मुझे दो। जी लून तो नहीं है, अरे ग्लास बदल दिया क्या? नहीं, वही ग्लास है, तो फिर लून कहाँ गया उसका? यही तो मुझे लगा कि लून तो इसमें नहीं है। शक्कर देखो, ओह पिताजी लुनिया, अरे पिताजी लुनिया की पानी लुनिया, तो लून है, अनुभव की चीज है, वो देखने की चीज। पानी में लून को अनुभव करोगे कि देख पाओगे? अनुभव कर। परमात्मा देखने की चीज नहीं है, वो अनुभव तत्व है। परमात्मा न कान से सुना जा सकता है, न परमात्मा त्वचा से पकड़ा जा सकता है, न परमात्मा आँख से देखा जा सकता है, न परमात्मा जीवा से चखा जा सकता है, न परमात्मा नासिका से सुना जा सकता है। परमात्मा वह अनर्वचनीय है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से जाना नहीं जाता है। इंद्रियों का सबका प्रकाशक है, उसकी शक्ति से कान शब्द सुनाता है, उसकी शक्ति से ये त्वचा पकड़ती है, उसकी शक्ति से ये आँखें देखती है, उसकी शक्ति से जिह्वा रस लेती है, उसकी शक्ति से ही नासिका गंध लेती है। परमात्मा व्यक्ति नहीं क्या है? शक्ति है। परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है, और शक्ति का अनुभव किया जा सकता है, शक्ति को देखा नहीं जा सकता है। और देख इन पुष्पों के अंदर जो रस है उसको मधुमक्खी ले लेती है, मधुमक्खी रस को तो ले लेती है, और मधु फेणा में उसे जमा कर देती है। ये फेणा है, फेणा बोलते हैं मधु, वो सुबह से संध्या तक संग्रह करती रहती है और फेणा में जमा कर देती है। और कितने प्रकार के पुष्प हैं, इसका अलग अलग रंग नहीं, उसको एक बोतल में भर के रख लिया जाता है, मऊ फेणा से यह इसमें रख लिया। अब इसमें से नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पुष्प का कौन सा रस है, तो फेणा का रस इसमें आ गया, एक हो गया। अब उसमें से उनका अलग अलग रूप नहीं बताया जा सकता है। तो यह परमात्मा वस्तु एक है, मऊ प्रेरणा से जैसे यह मऊ अलग निकाल लिया, ऐसे ही इस संसार में एक परमात्मा
है, जैसे सब पुष्पों के द्वारा एक मधु मिला, ऐसे ही सब पुष्पों में, सब जीवों में एक चेतन तत्व ही विद्यमान है। और समझ बेटा, ये सामने जो बोतल रखा है इसमें बता, क्या बताऊं इसमें? अरे हाथी है कि घोड़ा है कि ऊंट है कि कुत्ता है कि गाय है कि सेंड है कि मनुष्य, तो आपका दिमाग खराब हो गया। इस बोतल में हाथी घुसेगा? अंगली घुस नहीं पाती है, तो हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, तो हाँ है, तो इसमें कैसे हो सकता है? यही बूंद जब गाय के, घोड़ी के, ऊंटनी के, हथनी के, सुअरनी के, कुतिया के, गधेड़ी के या स्त्री के गर्भ में ये बूंद जाएगी, तो उसी गर्भाशय में वही आकार बनकर आता है। ये रज वीर्य इसके अंदर से ही होता है, वो अनुभव की चीज है, वो देखने से पता नहीं लगता है। ये सामने जो वट वृक्ष है इसकी एक डाल तोड़ के ला, क्या है ये? इसमें फल है, ऐसे और भी फल है झाड़ में, एक फल तोड़ के लाओ। क्या दिख रहा है? बहुत बीज है। अच्छा, इन बीजों में से एक बीज निकालो, पकड़ना मुश्किल है गुरुदेव, निकालो। इसको काटो और इसमें फिर देखो क्या है। इसमें तो गुरुदेव कुछ भी नहीं है, ऐसा मत बोलो। ये महान वट वृक्ष इसी के अंदर छुपा है। आपका क्या दिमाग खराब है? इतना छोटा सा पकड़ में नहीं आता है और इतना बड़ा वृक्ष इसमें कहाँ घुसेगा? है इसी में, पर इसमें अव्यक्त रूप में है। जब ये कच्ची में जाएगा बीज और उसमें जाकर फिर यह व्यक्त होता है, अव्यक्त ही। अब कैसे ही परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, शून्य में आता नहीं, पर वही संसार विराग बनता है, इसके अंदर आता है। जब जब धर्म छूटता है, पाप बढ़ता है, साधु पुरुषों को सताया जाता है, इरा इरा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्तम धर्मस्य तदात्मानं स्याम
कैकणाय साधुनां विनाशाय च दुःखां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि देवे। तो वही यह विराट संसार बन जाता है, वो तो परमात्मा जो है इसमें अनुभव रूप में अव्यक्त रूप में है, तो व्यक्त रूप में नहीं है। जैसे नमक का स्वाद वह पानी में है पर उसको देख नहीं सकते, वो अव्यक्त है। नमक व्यक्त रूप में है और वह अव्यक्त रूप में है, तो परमात्मा अव्यक्त रूप में विद्यमान इसी वृक्ष के अंदर है। और बेटा घटना हुई, एक सेठ धनी सोना बेचने बॉम्बे जा रहा है, सोने की ईंट लेकर। एक पीछे चोर लग गया उसके, और चोर चोर आपस में बिक्री कर देते हैं। ये चोर ने देखा कि इसके पास में इतना रुपया है, तुम ले लो, मेरे को 1000 रुपया दे दो। वो 1000 देकर और उसके पीछे लग जाता है। तो ऐसे ही वो चोर 10000 रुपये में उस सेठ को खरीद कर तुम्हारे गांव का वो बनिया वो सुनार सोने की ईंट लेकर जा रहा है। तो चोर ने जान लिया और उसको बता दिया गांव के चोर ने कि इसके पास इतना है, ये जा रहा है, मेरे को इतना रुपया दे दे। तो 10000 में खरीद लिया और वो चोर उसी ट्रेन के अंदर बैठ गया बॉम्बे के उस सेठ के पास में। और अपने आप कभी कोका कोला पिलाता है, कभी आइसक्रीम खिलाता है, कभी इडली। तो वो समझ गया कि ये जरूर मेरे को ठगने वाला है, मेरे को बिना जान पहचान के और सत्कार कर रहा है, खिलाता गया। तो अब रात को सोने का समय आया, ट्रेन तो चल रही थी, आगे स्टेशन पर गाड़ी रुकती भी जाती है। तो बोले भाई तू मेरी इतनी सेवा कर रहा तो एक पानी की बोतल ला दे। बोले अच्छा, पानी के बोतल लाकर उस सेठ को दे दिया। वो बोतल लेने उतरा गाड़ी से, दुकान से खरीद के लाया, सेठ को दे दिया। सेठ कैसा दे, नहीं नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। और वो सेठ पानी पीते सो गया। अब ये चोर रात्रि में तकिया उसकी अटैची उसका बेडिंग उसका बिस्तर गद्दा सब ठिठोल रहा है, ये सोने की ये चीजने कहाँ रखी। सारी रात एक एक बिस्तर का एक एक अंग देख लिया, कहीं पता नहीं लगा। रात तो आराम से निकल गई इसकी। और सुबह जैसे हुआ तो एक जगह गाड़ी रुकी, बोले भाई एक चाय का प्याला भी ला दे। तो चाय का प्याला लेने गया और वह चाय का प्याला रखे पिला दिया। ट्रेन फिर चल गई, 12 बजे बोरी बंदर स्टेशन पर पहुंच गए। अब सेठ अपना बेडिंग कपड़ा सब इकट्ठा करके जाने लगा तो वो पैरों में गिर गया। मैं गरीब आदमी हूँ, लुट गया। अरे भाई मैंने तो तुझसे कुछ नहीं लिया, तू अपने आप सिंगाड़ा इडली कभी जलेबी कभी पानी, मैंने तो तैसे नहीं कहा। बोलेगा आपके पास में सोने की ईंट, अच्छा इसलिए तू मेरे को ये सब खिला पिला रहा था।
आपने कहाँ रखी मुझे ये बता दो, तो मैं इतना मूर्ख हूँ जो तुझे बता दूँ और तू लूट के ले जाए? नहीं, आपकी एक पैसे की भी हानि नहीं होगी। आप जहाँ जाओगे वहीं आपको छोड़ कर आऊंगा और आपसे कुछ नहीं लूंगा। पर आपने कहाँ छिपाया था मुझको बता दीजिए आपका, क्योंकि अगर आपकी रुपया काश नहीं निकली तो उस व्यक्ति को जिसने मैंने 10,000 में खरीदा, आपको 10,000 में मैं खरीद के लाया हूँ मेरे गांव के चोर से, और तो गांव के चोर से मैं पैसा ले लूंगा मेरा। अगर आपके पास ईंट नहीं थी तो ईंट है, ये पक्का है, उसने प्रमाण दिया, तो मैं आपको 10,000 में लाया हूँ। तो बोले ठीक है, वो ईंट यहाँ है, जेल में निकाल के दिखा। कोई मैं रात भर तुम्हारे एक एक कपड़े को देखता रहा, अटीची को, तो बोले मैंने समझ लिया था रात कोई की तुम इतना सेवा कर रहा है, बिना जान पहचान के तो जरूर तुम्हें रात माल लेगा। तो जब मैं सोता था तो तेरे को कहा था एक पानी की बोतल ला दे, तू पानी बोतल लेने गया, मैंने वो सोने की ईंट तेरे बिस्तर में तकिए के नीचे, तेरे बिस्तर में तकिए के नीचे रख दी। तो चोर रात भर मेरे बिस्तर में ढूंढेगा, अपने बिस्तर में काई को पागल ही क्या उनको। और जब सुबह चाय मंगाता था तो फिर वो तेरे बिस्तर से निकाल के अपने जेब में रख लेता था। तो परमात्मा ने भी यही मजाक किया है। परमात्मा तुम्हारा जो है ये सब संसार बाहर मंदिर तीर्थ क्या बना बना कर और तुम्हारे अंदर घुस के बैठ गया। तो तुम अब इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस तीर्थ में, उस तीर्थ में तो भटक रहे हो, लेकिन तो अपने ही अंदर कभी ढूंढने का विचार नहीं आता। तो परमात्मा तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, ये विवेक जागृत करना है। कस्त्वं द्रष्टा साक्षी आत्मा, द्रष्टा साक्षी आत्मा। एक सरदार जी डॉक्टर के पास अपने को दिखाने गए, तो उन्होंने कहा कि कल सुबह का अपना परिसरा लेकर आना, उसकी हम जांच कराएंगे क्या तुम्हें डायबिटीज है, कि तुम्हारी किडनी खराब है, कि तुम्हें कैंसर है, मालूम पड़ेगा। तो सरदार सुबह उठकर अपनी पेशाब बोतल में भरकर और रख दिया, सुबह उठ गए और सो गए। पहले सुबह का पहला पेशाब रखना था, इसके बाद में उसकी पत्नी पेशाब करने गई, तो सरदार उठा बिस्तर से, नहा धोकर तैयार हुआ, ऑफिस जाने की तैयारी थी, तो अपनी वो जो पेशाब की बोतल सुबह की रखी थी उसको जांच कराने के लिए ले गया और दे दी। संध्या को ऑफिस से आया, रिपोर्ट लेता हुआ अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको पढ़ा, इधर उधर पलटा। सरदार जी का नाम था मंगल सिंह, बोले ये रिपोर्ट किसकी लाए हो? बोले नहीं, मंगल सिंह की। रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ लगा, तो कहा अंदर चलो। अंदर चेक करते करते कहा कि देखो तुम अब ऑफिस से छुट्टी करो दो दिन की, तुम्हारा डिलीवरी टाइम है। सरदार का तेरा दिमाग खराब क्या? मेरा डिलीवरी टाइम? अरे रिपोर्ट तू लाया है, मंगल सिंह तेरा नाम? हाँ, ये मंगल सिंह की ये रिपोर्ट।
और वो सरदार घबरा गया, घर गया, बिस्तर पर लेट गया। पति ने कहा खाना खा, बोलने नहीं खाना। डॉक्टर ने मना किया था डिलीवरी होती तो खाना नहीं खाना चाहिए। पति ने कहा क्या बात है, कुछ नहीं, ऑफिस जाओ। दूसरे दिन नहीं, ऑफिस भी नहीं जाना। हत्या सस्पेंड हो गया, क्या बात है, नौकरी छूट गई। नहीं, नौकरी तो छूटी नहीं, नहीं छूटी, काहे के लिए छूटी दिया। बोली तो किसी से कहेगी तो नहीं, क्यों, मेरे पेट में बच्चा। औरती के तेरा दिमाग खराब हो गया, ये मर जाना, तेरे पेट नीचे बच्चा कितना ना, मटकी तो मेरी बड़ी है, तेरे पेट में बच्चा कहाँ से आया। बोली रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, पेशाब की रिपोर्ट, उससे पता लगा। बोले तू मुझे मारेगा तो नहीं, तेरे तो नहीं मार, तेरे क्यों मारूंगा, अरे तू पेशाब करके आ गया, तेरी बोतल नहीं छोड़ आया, मैं गई जल्दी से, मेरे को धक्का लगा और बोतल गिर गई, कहीं अपना भर दिया और रख दिया। ऐसा तो परमात्मा ने भी ऐसा ही हमारे साथ किया है कि वो खुद परमात्मा का अंदर आकर बैठ गया और तुमने उसको बाहर मंदिरों में तीर्थों में पालते रखा है। अब जड़ है, चेतन है, दृश्य है, दृष्टा है, अनात्मा है, आत्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है, पर प्रकाश है। तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंद मोक्ष किसको, परमात्मा। अगर कोई भिन्न वस्तु होती, अन्य वस्तु होती, आज घड़ी कहाँ रख के चले गए तुम लोग, तो साधन बताया जाता। बहुत ध्यान से सुनो, परमात्मा अगर कोई भिन्न वस्तु होती तो उसे पाने के लिए साधन बताया जाता। पक्का निश्चय कर लो, कोई भी चीज तुमसे जो अन्य होगी, भिन्न होगी, दूर होगी, चाहे वो फल हो कि कपड़ा हो कि पत्र हो कि पत्ता हो कि संसार की कोई भी वस्तु जो तुमसे दूर होती है, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है, साधन चलते जाओ, मांग कर लाओ, खरीद कर लाओ। परमात्मा अन्य भिन्न वस्तु नहीं, इसलिए परमात्मा को पाने का कोई साधन नहीं है परमात्मा को पाने का। न कोई मंत्र है, न जप है, न माला है, न कीर्तन है, न भजन है, न कोई प्रकार का घर त्यागना, न पत्नी त्यागना, न बच्चे का त्यागना, न नौकरी छोड़ना, न खाना पीना छोड़ना, ये सब कुछ नहीं करना है। अज्ञान ही बंधन का कारण है और ज्ञान से ही मुक्ति है। बस तो ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान कोई वस्तु नहीं, और उसके लिए केवल सद्गुरु की आवश्यकता। ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही केवल्य की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है। द्वितीय ज्ञाना न मुक्ति, ज्ञान के बिना किसी साधन से मुक्ति नहीं हो सकती है। एकमात्र ज्ञान ही अवलंबन। राम ने कितने का कल्याण किया, कृष्ण ने कितने का कल्याण किया, कोई साधन नहीं बताया। जिन्होंने ज्ञान पाया बस उसका कल्याण हुआ, चाहे हनुमान का हुआ हो कि अर्जुन का हुआ हो। कि जिन जिन ने ज्ञान पाया है, ज्ञानादेव तु केवल्यम कृते ज्ञानान मुक्ति, तो ज्ञान से मुक्ति होती है। परमात्मा को पाने के लिए याद रखो, जितने बैठे हो, न माला तुम्हारी काम आएगी, न जप काम आएगा, न तुम्हारा पूजा पाठ काम आएगा, न तुम्हारा तीर्थ व्रत काम आएगा, न तुम्हारा एकादशी उपवास की सोमवार उपवास आएगा,
कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए इन साधनों का भूत मन से निकाल दो और इस आत्म ज्ञान को पाने के लिए एकमात्र रुचि इच्छा करो। तो यह ज्ञान की बात अब आती है। तो ज्ञान की सप्त भूमिका है, नोट करो। नंबर एक, शुभेच्छा। दूसरा, सुविचारणा। नोट करो, आलस मत करो। ज्ञान की सात भूमिका, शुभेच्छा, सुविचारणा। तीसरा है तनुमान से। चौथा है सत्वापत्ति। पांचवा है असंशक्ति। छठा है पदार्था भावनी। सातवीं तुलिका। फिर से सुनो, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी, तुरिगा। बुद्धि ज्ञान की सत्य भूमिका। और शुभेच्छा किसको कहते हैं बोलो? शुद्ध वस्तु पृथ्वी पर एक ही है, आत्मा। आत्मा की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं, और सब तुम्हारी संसारी बातों को नहीं, आत्मा की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। सु इच्छा, व्रत उपवास कर लेना, दान धर्म कर लेना, तीर्थ मंदिर पूजा, ये एक भी इच्छा नहीं। शुभ नाम है आत्मा का, आत्मा शुभ है और बाकी सब अशुभ है। इसलिए जितने भी हैं मारवाड़ी लोग, मकान दीवार के ऊपर शुभ लाभ और शुभ लाभ और शुभ, लेकिन शुभ लाभ नहीं लिखते हैं, वो धन को पहले शुभ मानते हैं, इसलिए धन को लाभ मानते हैं, लाभ शुभ लिखते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग शुभ और लाभ, शुभ पहले है, आत्मा पहले है, फिर संसार का लाभ है। तो शुभेच्छा, उससे क्या पैदा होता है? सुविचारणा। ये सुविचारणा, दूसरों की भलाई कर देना, दान दया कर देना, ये सुविचारणा नहीं है, सुनाम आत्मा का है। आत्मा संबंधी विचारणा को ही सुविचारणा कहते हैं। आत्म संबंधी विचारणा सुविचारणा कहलाती है, और आत्म संबंध में इच्छा करना शुभेच्छा। तो शुभेच्छा आत्मा को जानने की इच्छा, जो मनुष्य जीवन में कितने युगों के बाद में बहुनाम जन्नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, गीता के सातवें अध्याय के 14 श्लोक में लिखा है कि यह बहुत बहुत अंत के जन्म में यह जिज्ञासा जगती है। तो शुभेच्छा जगी, सुविचार जगी। अब आया तनुमानसी। तनुमानसी का मतलब है देह के भोगों में आसक्ति कम होना और आत्म संबंधी परमात्म संबंधी जिज्ञासा का जगना। देह के विषयों के प्रति आसक्ति कम होना और आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में जिज्ञासा जन्मा, इसको कहते हैं तनुमानसी। संसार के भोगों की इच्छा का कम होना और परमात्मा का इच्छा को जन्मा, इसको कहते हैं तनुमानसी। अब तीसरी भूमिका तनुमानसी है, और इसमें कोई मर गया, प्राण निकल गए, तो अंत में जो इच्छा होती है मरने के समय, अगला जन्म उसको वही मिलता है। मरते समय तुम्हारे मन में किसी के प्रति दुश्मनी, मैंने उससे बदला लेकर ही छोड़ूंगा,
उसे मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा, मार के बताऊंगा उसको किस तरह से। तो ये इच्छा अगले जन्म में तुमको उसी घर के आता वातावरण के आसपास, जिस घर में तुम्हारा शत्रु होगा वही आसपास तुमको जन्म लेना पड़ेगा, या उसी घर का तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा, उसी घर का बैल बनना बलद बनना पड़ेगा, उसी घर का तुम कुछ और कुछ बन सकते हो, या वो तुम्हारे घर में सांप बनकर आएगा। ये अंतमती सुगति, इसलिए अंतमती को सबको सुधारना है। रात्रि को सोते समय 10 मिनट चाहे 5 मिनट ही, लेकिन अपने अच्छे विचारों को मन में लाकर ही सोना है। मन में संसार की कोई भी इच्छा कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये लाना है, मेरे को देना है, मुझको ये कहना है, मुझे वो जाना है, कोई भोग की विषयों की इच्छा मत करना। अंत में नींद में आने के पहले 5 मिनट 10 मिनट अपने मन को शुद्ध साफ कर लेना, आत्मचिंतन में जोड़ना, श्वासों को अंदर जाते और बाहर देखो, अंदर जाता है तब सो, अंदर से आवाज आती है, बाहर जब आएगा तो उसमें हम सो हम, अर्थात जो परमात्मा है सो हम, वो मैं आत्मा हूँ। यह पिता माता से संसार में जो शरीर मिला, ये शरीर मैं, ये विचार प्रति रात्रि आपको कहीं से भी आकर करना है। इस विचार को बिना किए सो गए तो अंत में जो विचार होगा तुम्हारा राग द्वेष का, तुमको वही जन्म लेना पड़ेगा। ये सबको मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, करें तो अच्छा, नहीं करें तो जो अंत में विचार बनेगा वह आपका बनेगा। तो तनुवांशी में अंतिम विचार होगा। अब आपने ज्ञान लिया अभी मुक्ति नहीं होगी, स्वेच्छा में मुक्ति नहीं, सुविचारणा में मुक्ति नहीं, तनुमानसी ने मुक्ति नहीं, क्योंकि विषय भोगों में अभी भी रुचि है, भोगों में वैराग्य नहीं आया, अभी एक जन्म तो लेना ही पड़ेगा। ये भगवान का वशिष्ठ जी का उपदेश है, तो मेरा भी निवेदन है इसमें, एक जन्म और लेना पड़ेगा। वो जन्म कब होगा, कितने वर्षों के बाद होगा, कौन से देश में होगा, किस घर में होगा, कौन माँ बाप मिलेंगे और कौन ये ज्ञान आगे का चौथा देगा। इतनी लंबी यात्रा छोड़कर तुम एक काम करो, क्या ये जो ज्ञान अभी तुमने यहाँ अभी अभी पाया है, एक क्लास कहीं आसपास, एक दो क्लास और कहीं तुम्हारे जहाँ नजदीक पड़े एक दो क्लास और कर लो, तो ये जो आधा ज्ञान हो गया है, आधा तो निश्चित हो गया है। कस त्वम अब जड़ है, दृश्य है, अनात्मा है, शव है, पर प्रकाश है, बद्ध है, तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, वर्ण मोक्ष किसको। लेकिन अभी अभी थोड़ी संसार में घुस जाएगा यही मन, अभी अभी थोड़ी देर में यहाँ वहाँ इसका उसका चिंतन, तो ये ज्ञान अभी दृढ़ नहीं हुआ। ये कौन अदृढ़ ज्ञान है, इसको क्या कहेंगे, अदृढ़। तो दृढ़ ज्ञान से मोक्ष होता है ऐसा भगवान कहते हैं, तो ये दृढ़ ज्ञान के लिए क्या करो, अगर इस क्लास में आधा हो गया है तो और एक दो क्लास कर लो तो आधा आधा पूरा हो जाएगा और आप इसी शरीर में इसी अवस्था में मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारे हाथ में है, रास्ता मैंने बता दिया, विधि बता दी, एक दो क्लास कहीं और जाकर कर लो किसी प्रकार, इसी क्लास को पक्का कर गए, इस क्लास में ही पक्का हो गया तो और किसी कहीं जाकर करने की जरूरत
अगर ये जड़ ज्ञान हो गया, लेकिन जड़ ज्ञान इतनी जल्दी होता नहीं है, क्योंकि जन्मों जन्मों का देह को मैं मानने का, कर्ता भोक्ता मानने का, जीव मानने का अपना संस्कार पड़ा है। मैं जीव हूँ ये जल्दी छूटता नहीं, मैं कर्ता भोक्ता हूँ ये छूटता नहीं, और मैं स्त्री पुरुष हूँ ये छूटता या उड़िया बंगाली नाम जाति, तो इसको हटाने के लिए, इसको निकालने के लिए जड़ करना पड़ेगा। तो जड़ करने के लिए इस क्लास में अगर जड़ हो गया तो बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा आपका भाग्य है जो इसी में हो गया, और दूसरे जन्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जड़ नहीं होता है, और देह भाव, कर्ता भाव, जीव भाव बीच बीच में जगता रहता है। इसके लिए तरीका बताया कि दृढ़ करने के लिए संभव हो एक दो क्लास कर लिया। चलो चौथे में आते हैं। चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति का मतलब है आत्मभाव की प्राप्ति। सत्वापत्ति यानी आत्मभाव की प्राप्ति। तो अब आत्मभाव की प्राप्ति में आपको कस्त्वम बस यही भाव, बस और कुछ दूसरा जाति का, नाम का, परिवार का, नौकरी का, संसार का कोई और विचार। चौथी भूमिका सत्वापत्ति में ये जो अदृढ़ता यहाँ थी, चौथी में सदृढ़ता आ जाती है। सत्वापत्ति आत्मभाव की प्राप्ति हो जाती है, आत्मनिष्ठा जग जाती है, देह का जो संबंध है वो रहेगा, परिवार का जो काम है वो होता रहेगा, घर में पिता माता बीमार है उनकी सेवा भी होगी, लेकिन मुक्ति तुम्हारी निश्चित हो गई। मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पत्नी बीमार, बच्चे बीमार या अच्छे हैं, कोई मर गया है, कोई माँ बाप का कर्ज चुकाना है, माँ बाप के लिए सेवा, ये सब होता रहेगा। मुक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मुक्त तो 100% हो गए। लेकिन लेकिन आनंद का अनुभव, जो जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव है, वो तुमको उतना नहीं मिलेगा जितना कि तुरिगा नाम की सातवीं भूमिका। इसी में आगे चल गए, तुरिगा है सातवीं भूमिका। तुरिगा भूमि में जो आनंद आता है वो चौथी भूमिका। सातवीं भूमिका में जो आनंद है, सातवीं भूमिका का नाम तुरिगा है ना, तो चौथी भूमिका सत्वभक्ति है। मुक्ति तो यही हो गई है, उसमें तो किंचित भी संदेह नहीं, पुष्प भी उठाकर इधर से उधर रखना नहीं है। तो आत्मभाव की प्राप्ति, जैसा फर्क पड़ेगा सुनो अब इसको। तुम जा रहे हो ट्रेन में, जहां भी बंबई थी, कलकत्ता थी, दिल्ली, टिकट किया तुमने AC 1, तुमने टिकट किया AC 2, तुमने टिकट किया AC 3, तुमने टिकट किया AC 4 का, रिजर्वेशन सब बराबर है, एक जनरल बोगी का टिकट किया और एक WT वाला निरंजन बिना टिकट के बैठ गया। अब सुनना, ट्रेन एक है, पहुंचने का टाइम एक है, AC 1 वाले को जो सुख सुविधा है, AC 2 वाले को उससे ज्यादा कि कम? AC 2 वाले को जो सुख सुविधा है अपने बैठने की, अपने कंपार्टमेंट की, AC 3 वाले को उससे कम सुख सुविधा होगी। AC 3 वाले को जो सुख सुविधा है, नॉन AC वाले का भी रिजर्वेशन है, उसको भी सुख सुविधा जो है वो
सन्यासी वाले को जो सुख सुविधा है वह एक जनरल भोगी वाले को सुख सुविधा, नॉन एसी वाले को भी रिजर्वेशन तो है ना, एसी नहीं है लेकिन उसकी गाड़ी से जगह से सीट से कोई हटा नहीं सकता कि उसको धक्का देकर आगे बैठने को नहीं कहेगा, तो जगह उसकी सुरक्षा है। लेकिन एक जनरल बोगी में बैठा है, टिकट उसके पास भी है, बिना टिकट के नहीं है, लेकिन है उधर अब दिन बैठे तेरे बाप की गाड़ी है, हट उधर, मैं नीचे बैठूंगा, धक्का दिया चौथा बैठ गया, थोड़ी देर बाद पांचवा है उसने उधर, अरे पांच तो बैठे तो क्या मैं उधर बैठूंगा, पांच सात साथ घुस जाते हैं। लेकिन वो जो एक और है निरंजन, बिना टिकट के चढ़ गया, जो चढ़ गया तो ठीक ही आएगा इस कंपार्ट में, तो ये उधर पीछे के कंपार्टमेंट में चला जाएगा, उधर जब टिकट जाएगा तो किसी लेटरिन में घुस जाएगा, वो टिकट नहीं है बिना टिकट के, कौन से वो भी जाएगा बिना टिकट वाला भी, थर्ड क्लास वाला भी, जनरल बोगी वाला भी और एसी वन टू वाला भी। लेकिन सुख सुविधा की बात, पहुंचे नहीं सब एक जगह में, मुक्त तो सब है, टिकट ट्रेन वाले बिना टिकट सब पहुंच जाएंगे, लेकिन मुक्ति की बात है तो मुक्ति आनंद की बात, तो आनंद किसको ज्यादा मिलेगा, वो एसी वन वाले को, तो ये मुक्त तुरीगा वाला जो है, तुरीगा वो सातवीं भूमिका एसी वन है, तुरीगा केवल उसको 21 दिन का जीवन होता है, 21 दिन के बाद में मर जाता है, तुरीगा वाला व्यक्ति मुक्त जीवन मुक्त है और उसका 21 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता, शास्त्र में प्रमाण आया है 21 दिन में उसकी मौत हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं और वो कहीं पर भी कोई ध्यान समाधि लगा के बैठता नहीं है, कोई गुफा में छुप के बैठता नहीं, जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, उसको कोई पहचानने में भी नहीं आता है, कोई खाने को देता है तो मुख भी नहीं खोलता है, यहाँ रखा तो यहीं का यहीं गिर जाता है, 21 दिन में उसका प्राण निकल जाता है, तो ये है तुरीगा, इसको जो आनंद आता है ब्रह्मा आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति, इसको जो आनंद आता है एसी वन की तरह सब तरह से उसको एसी वन वाले को सुख सुविधा, कोई किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं, तो ये अपना साथी भूमिका तुरीगा। अब इससे कम आनंद आता है तो पदार्था भावनी यह एसी टू की तरह, अब इसको उससे थोड़ा कम आनंद आएगा, इसको भी संसार नहीं दिखता है, व्यवहार नहीं दिखता है, पिता माता पति पत्नी बस अपना जीवन निर्वाह जितने दिन का प्रारब्ध है और संसार में कोई रुचि भोग नहीं है, ये ऐसी टू की तरह जो है पदार्थ भाव। इससे और आगे आओ तो असंशक्ति ये एसी थ्री की तरह, इसको उससे भी सबसे ज्यादा आनंद किसको आएगा, तुरीगा, उससे कम आनंद आएगा सत्वा भक्ति वाले को, उससे कम आनंद आएगा किसको, असंशक्ति वाले को, और उससे कम आएगा सत्वा भक्ति वाले को, मुक्त सब है, सत्वा भक्ति वाला भी, असंशक्ति वाला भी, पदार्थ भावनी वाला भी और तुरीगा। तुरीगा को किसके साथ तोला गया, एसी वन से, और पदार्थ भावनी वाले को किससे तोला गया, एसी टू से, और असंशक्ति वाले को किससे तोला गया, एसी थ्री से, और जन को भी वो अपना सत्वापत्ति वाले को किससे तोला गया, असंशक्ति वाले को जो सुख सुविधा है
उससे सत्ता भक्ति वाले को, और सत्ता भक्ति वाले को जो सुख सुविधा है वो तुरीगा, तो उसको जो आनंद है। तो इस प्रकार से जीवन मुक्ति का आनंद के अंदर फर्क पड़ता है, मुक्ति में फर्क नहीं। मुक्ति सबकी समान है, आनंद का फर्क। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा नहीं आया? ऐसी ट्रेन के यात्रा से और इससे राम आए गुरु के पास में। गुरुदेव, मेरे को ये बात समझ में नहीं आता है कि आपने कहा कि जैसा ज्ञानी है वैसा ही अज्ञानी है, ज्ञानी अज्ञानी ने कोई फर्क नहीं है, ज्ञानी को भी संसार वैसा ही दिखता है, अज्ञानी को भी संसार वैसा ही दिखता है। ये बात मेरे समझ में नहीं आती, दोनों का है कैसे? अज्ञानी का तो दुखमय है और ज्ञानी का सुखमय होता है, लेकिन आपके तो दोनों का एक जैसा है। बोले ऐसा कर, ये नारियल ले, ये नहीं चाहिए, दूसरा ले। देख नहीं पाते हो क्या? इसको तोड़ के लाओ, इसको तोड़ के लाओ और अंदर वाले को मुझे दे। राम गए नारियल को लेकर और गुरु की आज्ञा है कि इसको तोड़ के लाओ और अंदर वाला मुझे दो। मानो हमारी बात ठीक है, इसको तोड़ने का कुछ देव साधन उधर छोड़ो, तुम ही राम बनो। राम गए और तोड़ने के लिए पानी को करके रख लेना, प्रश्न है कि दोनों को एक जैसा कैसे आप कहते हो, ज्ञानी को और अज्ञानी को, दोनों का तो अंतर है। अरे राम, तुमने तो इसकी जान मार दी, मैंने कहा था अंदर वाला मेरे को देना, लो ये ले, अंदर वाला मेरे को सुरक्षित दे। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? बोले मेरे प्रश्न का उत्तर कहाँ मिला, मेरे को तो नारियल तोड़ने में लगा दिया, पहले को तोड़ा तो बोले इसकी जान मार दी, तो फिर टुकड़े कर दिए और दूसरे को फिर मैंने दिया तो तुमने ला कर दिया, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या उत्तर है? अरे जो कहने वाला जो नारियल तोड़ा ये अज्ञानी का प्रतीक है, अज्ञानी बाहर से चोट पड़ती है, अंदर भी वैसे ही अपने को सुखी दुखी मान लेता है, आत्मा को भी बाहर देह के साथ कुछ भी व्यवहार हो, कोई बीमारी हो, कोई अपने को मान लेता है ये अज्ञान। और इसको मैंने कहा कि तोड़ के लाओ तो तुमने इसको बिल्कुल सुरक्षित ला दिया, ये क्या बात है? तो ये बात स्पष्ट है, अंदर वाले ने बाहर वाले से संबंध गैप बढ़ा दिया था, थोड़ा डिस्टेंस रख दिया, तो बाहर चोट पड़ी तो अंदर वाला बोलो सुरक्षित रहा, तो अंदर वाला ये ज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी को बाहर देह से कोई भी प्रकार का व्यवहार होता है तो वह अपने में स्वीकार नहीं करता है, अपने को उससे बिल्कुल असंगत मानता है, तो आवाज भी आता है गट 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 दृष्टा दृष्ट दृष्टा दृष्ट, और इसको देखो तो भस्म भस्म ये भस्म भस्म आएगा इसमें, और ये गट गट ये दृष्टा दृष्ट दोनों के बीच में ये तो ये ज्ञानी का लक्षण है, देह के धर्म को वो अपना धर्म
नहीं मानता, अज्ञानी देह के धर्म को अपना मानता है, तो दुख सुख दोनों में अलग अलग लगता है। अस्तम राम, जिसको भगवान ने कहा अब तुम्हारा उद्धार हो गया, अब तुम्हें कोई साधन करने की जरूरत नहीं, बाहर कोई जाकर आश्रम बनाने की जरूरत नहीं, संन्यास लेने की जरूरत नहीं, तुम अब राज कार्य करो और अपने ज्ञान को पात्र देखकर उपदेश करो। फिर हनुमान राम के सामने खड़े हुए, हनुमान जी ने कहा प्रभु आपका सब काम हो गया, माता जी आ गई, आप भी अपने अयोध्या में आ गए, आपका राज तिलक भी हो गया, अब सेवक का काम है पहले स्वामी की पूरी सेवा करे फिर प्रार्थना करे, पर पहले से प्रार्थना करे मेरे को रुपया दो मैं काम करूंगा ये नहीं, पहले सेवा करो माली प्रसन्न होगा अपने आप। तो राम जी से प्रार्थना करता है हाथ जोड़कर, हे प्रभु मेरे को उपदेश, मेरा कल्याण का मार्ग बताओ, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो राम उस वक्त राजतिलक हो, मैं राजगद्दी पे बैठे हैं, राजतिलक हो गया है, तो तुम तेल मंत्री, तुम वित्त मंत्री, तुम जहाज मंत्री, तुम यह मंत्री, ये सब मंत्रियों का चुनाव चल रहा था, तो उस वक्त राम को उपदेश करने का समय नहीं था, तो सीता से कहे सीता इस राम को अपने कल्याण, हनुमान को अपने कल्याण का उपदेश करो। तो सीता ने हनुमान से कहा चलो इधर आओ, छोटे एक आत्मा की बात है तो एकांत में होती, सबके सामने सब भीड़ में, तो एक कर दे और पूछा बताओ हनुमान अभी तक तुम क्या करते थे। तो पहले तो हनुमान को तमोगुण आ गया गुस्सा कि मेरे को इतनी जल्दी भूल गई, मेरे को अभी तक तुम क्या करते थे, इन्हीं तुम्हारी सेवा करता था, राम को खबर देता था, राम से रामेश्वर से खबर देकर तुमको लंका में और लंका से लेकर यही तो करता था संवाद, और तुम कौन हो इतनी जल्दी मेरे को भूल गए, कहते तुम कौन हो। हनुमान से सीता ने पूछा तमोगुण हटा दो, आपका दास हूँ, दासो हनुमान यही तो बोलेगा। तो अब सीता ने जो उपदेश दिया, आज से तुम दा को निकाल कर अलग कर दो और फिर जो बचता है वो तुमसे चिंतन करो, फिर क्या बचेगा, दा निकाल दोगे तो क्या बचेगा, तो यही तुम्हारा स्वरूप है, दासों में से दा निकाल दो और स्वयं उसने चिंतन करते हो। ऐसे चिंतन होते 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 6 महीने बीत गए, राम एक दिन सामने से आ रहे हैं, हनुमान इधर जा रहा है, मुठभेड़ों में राम को प्रणाम किया, राम ने छाती से लगाया और पूछा कौन हो, तो अपना 3 उत्तर दिए, 3 परिचय। सीता माता ने तो दा हटा दिया दासों में से और सोहम का बोध करा दिया, हनुमान ने जब पूछा कि तुम कौन हो अपना परिचय दो तो 3 उत्तर दिए। पहला उत्तर, देह दृष्टि से दासों न करो, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप अंश ही, मैं आपका अंश हूं, ईश्वर अंश जीव, और तत्व दृष्टि से जो तुम हो वही मैं हूं,
और जो मैं हूँ वही आत्मदृष्टि से। इस तरह से राम खुश हुए, प्रसन्न हुए, हृदय से लगाया। आज का विषय मैं यही समाप्त करता हूँ। अपनी छोटी बुद्धि से जो समझाया, जो भूल हो गई वो उसे क्षमा करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। हे गुरुदेव, आप हमें परमात्मा के असत मार्ग से, भ्रांति मार्ग से अलग करके सत्य मार्ग पर चलाएं, अज्ञान से हटाकर, भेद बुद्धि से हटाकर आत्मा का ज्ञान कराएं, और देह भाव से हटाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराएं। तस्त्वं अब जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, सब हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। तो जन्म मरण किसका, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, तस्त्वं। कल का विषय होगा महत्वपूर्ण अंतिम विषय, क्लास का जो परीक्षा होगी उस परीक्षा का बता दिया। कल होगा साकार निराकार तत्व, साकार निराकार तत्व बहुत गंभीर विषय। साकार मंदिर, माला, पूजा, तीर्थ, व्रत, सब आएगा कल। कल सब कचरा यहाँ पे जलाया जाएगा।